वॉइस की मुहिम लगातार बोल पब्लिक बोल के माध्यम से जनता के मुद्दों को जनता के द्वारा उनकी आवाज बनकर उठाती रही है और आगे भी उठती रहेगी। आइए हम राजधानी रायपुर में पब्लिक के बीच उनकी राय जानना चाहते हैं, धर्मांतरण को लेकर उनकी क्या सोच है, क्या राय, क्या कहना चाहेंगे, चलिए देखते हैं और मिलते हैं, उनकी राय जानते हैं। ये धर्म परिवर्तन गलत है मैडम। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए, हिंदू धर्म में हमारा सिर्फ हिंदू धर्म है, और हिंदू धर्म में अगर हम हिंदू धर्म कहें दूसरे धर्म को हमारे धर्म में आ जाओ तो लोग नहीं आना चाहेंगे, कोई भी स्थिति नहीं आएंगे, क्योंकि उनका धर्म अटल है। लेकिन हमारे धर्म को ना दूसरे धर्म वाले लालच दे के, चाहे आर्थिक लालच हो, जो भी लालच दे, और उनको परिवर्तन करा दे रहा है आज। तो हमारे हिंदू धर्म के व्यक्ति को ही इस प्रकार हो रहा है, अन्य धर्म में मैं आज तक नहीं सुना हूँ। धर्मांतरण के लिए मुझे ऐसा लगता है कुछ वर्ग विशेष जो अपने धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे मिशनरीज वाले, बहुत सारे लोग कन्वर्ट कर रहे हैं क्रिश्चियन होने के लिए, उसके पीछे तमाम तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं लोगों को। लेकिन मेरे हिसाब से धर्मांतरण गलत है, नहीं होना चाहिए। जो जिस धर्म में है वो रहे उस धर्म में, और कहीं ना कहीं धर्मांतरण से हमारे हिंदुत्व को भी खतरा, मुझे ऐसा लगता है कि महसूस। किसे दोषी मानते हैं आप? दोषी नहीं जानता मैं, इसके विषय में नहीं बोल पाऊंगा। मैं दोषी किसे मानता हूँ ये नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन कुछ ग्रुप विशेष जरूर है जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत तेजी से कन्वर्शन का काम कर रहे हैं। धर्मांतरण जो है, जैसा कि हिंदुस्तान में या भारत में भारतीय संविधान को अगर पढ़ा जाए, भारतीय संविधान के अनुसार सोचा जाए, तो भारतीय संविधान के अनुसार धर्मांतरण नाम की चीज नहीं होना चाहिए। हमारे भारत देश का जो संविधान है, हमको एक धर्मनिरपेक्ष गुट है ना, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की घोषणा करती है, है ना। तो यहाँ पे जो इंसान है, यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, उनको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है, मतलब संविधान के थ्रू, कि वो कोई भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म का अनुसरण कर सकता है, रह सकता है, वो उनके ऊपर डिपेंड है। और रही सवाल धर्मांतरण की, किसी को जबरदस्ती लालच देकर या और कुछ करके, जैसे कि सुनने में आता है कि किसी ने किसी को, मतलब ये कोई पोस्ट दे दिया है, कोई पैसा दे दिया, इस टाइप का धर्मांतरण कराया जा रहा है, वो गलत। मुझे लगता है आजकल सब भटके हुए हैं, बस जहाँ मतलब सुख शांति मिलेगी, कोई बता दिया इधर सुख शांति, तो वहाँ चले जाते हैं, अपने आप में अंदर में खोज नहीं कर रहे कि यही अपने अंदर ही सब कुछ है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मेरे को लगता है धर्म से ज्यादा आदमी ने, मतलब मैं धर्म पे इतना विश्वास नहीं रख पाऊंगी, पर मतलब जो करे वो सही करे और अपने देश के लिए, अपने लिए, ये मेरे को सही लगता है। धर्मांतरण एक मुद्दा करके बस एक मतलब दंगा फसाद करो, ये मुझे सही नहीं लग रहा है। आप जिस धर्म में जन्म लिए हो वो धर्म को आप मान, ठीक है आप मानते हो, करते हो, वो एक अलग साइड है, लेकिन आप एकदम उस चीज के लिए लेके खड़े हो जाओगे कि नहीं ये परिवर्तन करके इसमें जाना। अभी तो ज्यादातर ईसाई धर्म के लिए बहुत लोग जाते हैं, और सुनने में भी यही आता है कि इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ उसमें पैसा मिलता है करके, है ना। तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव थॉट भी है साथ में। आप मान रहे हो अगर, तो आप दूसरे को प्रेशराइज नहीं कर सकते, वो उसकी आध्यात्मिकता है कि वो किस ईश्वर के ऊपर भरोसा कर रहा है, किसको मान रहा है, वो उसकी सोच है, उसको लग रहा है अगर इस पत्थर को देख के कि मेरे को, हाँ मैं इस पे यकीन कर रहा हूँ, ये मेरी अंतरात्मा की बात है ना। दूसरे व्यक्ति को वो इंसान भगवान नहीं दिखाई देगा क्योंकि उसकी आध्यात्मिकता दूसरे चीज की ओर है। तो ये मेरे को वहां तक के लिए सही नहीं लगता है। आपका जिसमें है आप रहिए, लेकिन धर्म परिवर्तन मत करिए, और ना ही किसी को ये कहिए कि आप भी धर्म परिवर्तन करें। बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है मेरे हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि किसी को ना धर्म के लिए उकसाया जाता है, ना किसी को जाति के लिए उकसाया जाता है। तो धर्म जहाँ पे है, अपना है, तो अपने तक ही सीमित रखे उसको, ना चेंज करने का, वो मानो आप सभी धर्म को, है ना। तो धर्मांतरण करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। ये देखो नारायणपुर में हो रहा है अभी, कितने सारे लोग वहाँ बवाल करे चार पे जाके तोड़ फोड़ कर रहे हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। तोड़ना फोड़ना किसी को नहीं करना चाहिए, जो उकसाया जा रहा है उनको उकसाने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए धर्म के लिए। अब जनता से क्या अपील करती है? मैं ये अपील करूंगी कि ना ही किसी को जोर जबरदस्ती करे, है ना, और ना किसी को उकसाया जाए कि हम धर्म पे आए। अपना धर्म है, आप सभी धर्मों को मानो। धर्म ही वो होता है कि हम जिस पे मानते हैं।
हमारे मन से निकलती है। हमको किसके लिए मानना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए, ये जरूरी नहीं होता है। देखिए, धर्मांतरण जो है ये सही मायने में देखा जाए तो जो मजदूर है, गरीब है, जरूरतमंद है, तो उनको बहला फुसला कर जो धर्मांतरण किया जाता है ये बिल्कुल गलत बात है। हर इंसान को भारत में पूरी आज़ादी के साथ जिंदगी जीने का हक है, अधिकार है, और हर आदमी अपने धर्म के प्रति सजग है, और किसी को लालच देकर धर्मांतरण कराना ये अच्छी बात नहीं है। मैं तो इसका पसंद नहीं करता, मैं उसके विरुद्ध हूँ कि किसी के लालच में या बहकावे में ना आए और अपने धर्म के प्रति अडिंग रहे, अपने धर्म की आस्था पर विश्वास रखे। कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसकी जरूरत है, आपको भी इसकी जरूरत है, सभी को इसकी जरूरत है। हम इन मुद्दों को न लेके धर्म और धर्मांतरण के मुद्दों पे लगे हैं तो मुझे लगता है कि ये चीजें सही नहीं है। ये देश के लिए भी घातक है, ये समाज के लिए भी घातक है, और ये पूरे मानव जाति के लिए भी घातक है। धर्मांतरण वास्तविक में गरीबी से जुड़ा हुआ मैटर है। हमारे भारत वर्ष गरीब देश है और अभी तो 40% से ज़्यादा गरीबी रेखा में जी रहे हैं। तो धर्मांतरण करने वाले चाहे कोई भी समुदाय का हो या धर्म के मानने वाले हो, वो अपने इन्हीं आर्थिक कमजोरियों का फायदा उठा करके लोगों का शोषण अपने तरफ आकर्षित करते हैं, उनका जरूरतों को पूरा करने का पहले प्रयास करते हैं, फिर धर्म स्थल पर ले जा करके और धार्मिक भावनाओं को उसके मन में जोड़ देते हैं और धर्मांतरण कर देते हैं। वो विशुद्ध रूप से किसी भी प्रलोभन में या किसी भी दबाव में ये धर्मांतरण करना पूर्ण रूप से अवैध है। स्वैच्छिक रूप से कोई धर्म अपनाता है उसके लिए कोई बाध्यता नहीं। देखिए, धर्मांतरण के लिए दोषी तो हर व्यक्ति को माना जाए जिसके लिए वो धर्मांतरण करे। किसी भी वस्तु के लिए किसी की चाह करके ले करके यदि वह धर्मांतरण करता है तो उसे मैं पाखंड मानूंगा। सनातन धर्मी है तो सनातन धर्म को ही केवल माने, वो अन्य किसी को न माने। किसी इच्छा से, किसी दबाव से यदि वो धर्मांतरण करता है, जैसे उदाहरण के लिए स्कूल में एडमिशन करानी है तो धर्मांतरण करिए, या किसी को और नौकरी पानी है धर्मांतरण करिए, तो उससे पूर्व उस व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि हम सनातन धर्मी हैं और सनातन धर्म को लेकर के हमें जिंदा रहना है, न कि कोई अन्य संप्रदाय में जुड़ करके उस चीज़ को पाना। किसी चीज़ की आकांक्षा करके यदि धर्मांतरण करते हैं तो मेरे हिसाब से वो पाखंड कहलाती है। जिस सनातन धर्म में हमने जन्म लिया है उस सनातन धर्म को कभी नहीं भूलनी चाहिए, चाहे वो किसी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे हमारी इच्छा की पूर्ति हो अथवा ना हो, तो हमें धर्मांतरण नहीं करनी चाहिए। धर्मांतरण करेंगे, क्या गारंटी है कि उसमें जाने के बाद में हमारी इच्छा की पूर्ति हो। इसलिए अपने इष्ट देवताओं को माने, अपने धर्म को माने, अधर्म के पद पर ही चले। इसमें धर्मांतर में आदमी को क्या है, एक अच्छे विचार रखे और जनता की इसमें अच्छे काम करने की जिज्ञासा को सजा के रखना चाहिए, और जो नेता जो होता है वो सबके हित में एक अच्छे विचार पैदा करे और किसी के बीच में भेदभाव पैदा ना करे। और कुछ जो लोग हैं जो धर्म के बीच में एक ऐसी माहौल पैदा करते हैं, आपस में भाईचारा मिलके एक अच्छे हित का काम करने की आपस में मेल बना के चले, ये मेरा अपना सुझाव है। अब जनता सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को तो ये है कि जनता के हित में एक अच्छा विचार को हर समय लेके चलना चाहिए, ताकि जनता को दुख ना हो, और जनता यदि आपस में कोई ऐसी बात करती है तो सरकार उसमें एक ऐसा कानून बनाए कि आपस में उनमें कभी भेदभाव नजर नहीं आना चाहिए। हमें धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए, अपने धर्म पर हमें टिके रहना चाहिए, कि हमारा धर्म हमें गर्व करना चाहिए कि हमारा धर्म ये है, तो हम अपने हिंदू धर्म में रहे। हमें कोई भी धर्म को परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। जैसे आज बहुत सारे मतलब जाति वाले बोलते हैं कि हमारे धर्म में आइए, हमें शामिल कीजिए, ये गलत है। हमें ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए, हमें अपने अपने धर्म के साथ रहना चाहिए। हम अगर हिंदू हैं तो हमें हिंदू ही रहना चाहिए। ये गलत है, हमारे देश में जो कुछ भी हो रहा है, धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें जो धर्म पहले से मिला है उसे हमें बदलने की क्या जरूरत है। हमारे पूर्वजों ने गलत थोड़ी ना हमें सिखाया कि ये गलत है वो गलत है, हमें जो मिला है हमें उसी में खुश रहना चाहिए, वो एक्सेप्ट करना चाहिए खुशी से, अपना धर्म का परिवर्तन नहीं करना चाहिए। धर्मांतरण देखिए मैडम, ऐसा है कि अगर आपके पूर्वज या मेरे पूर्वज या हर किसी आम नागरिक के पूर्वज भाई जिस धर्म पे हैं उसी धर्म पे रहना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप भाई आप अपने धर्म को ना मान के आप दूसरा धर्म क्यों अपनाएं जी। तो अगर जो हिंदू है वो हिंदू ही रहे, जो मुस्लिम है वो मुस्लिम ही रहे,
मेरा मानना ये है कि किसी को भी धर्मांतरण नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी का भी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन। जी, धर्मांतरण पर हम जो कहना चाह रहे हैं कि धर्मांतरण जो हमारे देश में चल रहा है वो आज का नहीं है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जब बौद्ध धर्म अपनाया था तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण था। अभी जो धर्मांतरण हो रहा है, एक दूसरे को नीचा गिराने का काम किया जा रहा है। धर्मांतरण एक कपड़े के समान है, हम कपड़े तो बदल लेते हैं लेकिन पता चलता है हम अंदर से जानवर। तो हम तो धर्मांतरण पे यही कहना चाहेंगे कि अब आजाद भारत है, यह संवैधानिक भारत है, हर व्यक्ति आजाद है, उसको जहाँ अच्छा लगता है वो जाना चाहता है जा सकता है, अपना जीवन जैसा जीना चाहे जी सकता है, इसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो व्यक्ति के पर्सनल जीवन जीने का है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि धर्मांतरण पर जो हम बोलना चाह रहे हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन जबरदस्ती अगर किसी पर धर्मांतरण कराया जाता है वो गलत है। धर्मांतरण के वजह से वो खास तो नहीं है, लेकिन जब दूसरे जैसे अपना सरदा मद्र केस वाला मामला हुआ उससे लेकर हर धर्म के बीच में ये हो गया कि वाकई जो धर्मांतरण का मैटर है वो काफी हाईलाइट हो चुका है इस जगह जाके। तो ये मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज सरदा मर्डर केस में हुआ है, कल किसी में होना था, कहीं मैंने सुना था न्यूज में कि किसी ने 50 टुकड़े कर दिए, कहाँ हिमाचल वगैरह में कहाँ था 50 टुकड़े, ये नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इससे धर्म को भावनाओं को आहत पहुँचती है। हर आदमी सोचता है कि मेरी बेटी का फ्यूचर कैसा होगा, कल किसे कॉलेज जाएगी, कहाँ जाएगी, पढ़ जाएगी, कुछ ऐसा होगा, किसी दोस्ती हो जाती है, कैसी हो जाती है। तो हर माता पिता को अपना डर होता है उस चीज़ का कि कहीं ऐसा मेरी बेटी के साथ नहीं हो जाए। मेरी बेटी में पूरे देश की बेटियों का ही सवाल है। धर्मांतरण के लिए सबसे जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ धर्मांतरण हो रहा है। धर्मांतरण तो सबसे बड़ा गंदा चीज है, जो जो जिसको भगवान ने धर्म दिया उसको उसी धर्म में ही रहना चाहिए। धर्म बदलने से फायदा क्या है, कोई फायदा नहीं है। लेकिन आदमियों की सोच हो गई है आजकल, जहाँ देखो धर्मांतरण धर्मांतरण, ये सबसे घटिया चीज है एक चीज। और दूसरी चीज तो आरक्षण को तो पूरा बंद कर देना चाहिए। आरक्षण में फायदा क्या है, जो गरीब लोग हैं उनको बोलते सामान्य वर्ग वालों को, वो तो मर रहे हैं, उनके लिए क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। धर्मांतरण के लिए दोषी तो किसी को ठहरा नहीं सकते, बट ये है कि जो व्यक्ति जिस धर्म में पैदा हुआ, चाहे वो मुस्लिम में धर्म में पैदा हुआ, हिंदू धर्म में पैदा हुआ हो, या क्रिश्चियन या ईसाई सिख सॉरी, अगर वो व्यक्ति धर्मांतरण अगर अपने आप को बदलना चाह रहा है, उसको किसी धर्म में मजा नहीं आ रहा है या उसमें वो रहना नहीं चाह रहा है, वो उसकी स्वतंत्रता है, वो अपनी इच्छा कुछ भी कर सकता है वो। बाकी अगर कोई व्यक्ति बेवजह जबरन अगर किसी व्यक्ति को धर्मांतरण करवाता है, ये हमारे मतलब नजर पे देखा जाए तो सरासर गलत है। हिंदुस्तान पे ऐसा तो होना नहीं चाहिए, और हिंदुस्तान में हमारी गवर्नमेंट से हम ये कहेंगे कि एक ऐसा कोई कानून लाए किसी को जबरिया धर्मांतरण ना कराए। अगर कोई व्यक्ति कन्वर्टेड होता भी है तो उसके वो एक मतलब कोर्ट पे या कलेक्ट्रेट पे एक लिखित आवेदन दे कि मैं इस धर्म पे जाना चाहता हूँ। देखिए, धर्म परिवर्तन होने का सबसे बड़ा कारण आज अगर देखा जाए तो उच्च वर्ग में जो वर्ण में है इन्हीं को मानेंगे, क्योंकि देखिए आज जिस प्रकार में समाज में है, कहीं ना कहीं लोगों का अन्य मजहबों में जाने का कारण यही है कि उन्हें पूर्ण रूप से सम्मान जो सनातन धर्म में मिलना चाहिए वो न मिल पाना। उन्हें अगर आवश्यकता अनुसार जो उन्हें सम्मान मिले तो वो क्यों जाए, इस चीज़ के लिए हम सबको एक होने की आवश्यकता है। देखिए आज इस भारत देश में अल्पसंख्यक जो हैं, जिन्होंने आज हम सदैव इस बात के लिए इसी के लिए कहते हैं कि धर्म को मानो, क्योंकि जिन्होंने आज धर्म को माना आज उनके पास 56 देश हैं। लेकिन आज जो भाईचारे के आड़ में जिस प्रकार चल रहा है, आज हम अपने ही सनातन धर्म को मान करके आज भारत देश में अपनी धर्म बचाने पे तुले हुए हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने धर्म के प्रति मजबूत रहना है। धर्मांतरण कोई मुद्दा नहीं है, इसे आज के वर्तमान में जो है इसको देखा जाए तो एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया, जबकि ऐसा कोई मुद्दा होना नहीं चाहिए। आज हमारा देश स्वतंत्र भारत है और भिन्न भिन्न जाति के लोग रहते हैं यहाँ पर में,
और सब लोग आज स्वतंत्र हैं, चाहे वो जिस किसी भी धर्म में, आज अगर उसे अपना धर्म छोड़कर किसी दूसरे धर्म में अगर कोई जाता है तो हो सकता है कि उसे ऐसी कोई चीजें उस धर्म की अच्छी लगी हो तो वो वहां चला गया, तो उसमें ये कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो राजनीति करने वाले लोग खास करके जो है इसको एक मुद्दा बना दिए हैं, जबकि ये होना नहीं चाहिए और ये बहुत गलत है। आज मैं अगर किसी धर्म में हूँ, मुझे अगर मेरे धर्म में कोई चीजों की कमी अगर नजर आती है और मुझे अन्य धर्म जो मुझे अच्छा लगता है और मैं अगर चाहता हूँ उसमें जाना चाहूँ, तो इसमें कौन सी गलत है और क्या गलत है इसमें? मुझे तो नहीं लगता कि कोई गलत है। लेकिन आज अगर आप देखेंगे उसी चीज को, आज मैं राजनीतिक पार्टी से हूँ तो मैं उसी हिसाब से आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, यदि कोई अन्य धर्म का व्यक्ति अगर हिंदू धर्म में आता है तो उसे वो धर्म वापसी का नाम देते हैं। धर्म वापसी होता क्या है? क्या है ये धर्म वापसी? मतलब आप क्या बताना चाहते हो धर्म वापसी बोल करके, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। धर्मांतरण तो एक देखो अपने अपने धर्म के बारे में सब अपने अपना सब लोग अपने समझते हैं, लेकिन जो धर्म और जाति का जो हमारे पूर्वजों ने हमारे वंशजों से चले आ रहे हैं, है नहीं, हिंदू धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, ईसाई हो गया, सिख हो गया, इसको चार वर्गों में बांटा गया है। लोगों मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि लोगों को अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में अगर धर्म परिवर्तन करते हैं तो इसके लिए हमारे देश के लिए बहुत खतरा हो सकता है। ये नहीं, जातिवाद धर्मवाद से ऊपर बढ़कर हमको एक साथ मिलके भारत को, देश को एकता के सूत्र में बांधे रखना है, तो इसके लिए यह जरूरी है कि हमें अपने अपने धर्म के ऊपर चलना है और ये धर्मांतरण को रोकना है, तो यही सबके लिए हितकर रहेगा, यही मेरा सोच है। और मैं लोगों से आग्रह करूंगा, अपील करना चाहूंगा कि इसको बनाए रखें और अपने अपने धर्म में, अपने अपने वंशों में अपना सब निर्वहन करते रहे। धर्मांतरण के लिए देखिए, इसमें दोष किसी का नहीं है, है ना। धर्मांतरण का जो मुद्दा है ना, या जो प्रश्न है, वो भारतीय संविधान, जो हमारा देश का संविधान है, उसके आर्टिकल 25 में स्पष्ट दिया हुआ है कि हर व्यक्ति को मूल अधिकार प्राप्त है। इस जो संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 से जो संविधान लागू हुआ है, उसमें आर्टिकल 25 में धर्मांतरण यानी कर सकता है आदमी, है ना, कोई भी व्यक्ति, उसका मूल अधिकार है। आज वो अगर कोई दूसरे धर्म में है तो उस धर्म में अगर उसको, उस धर्म में अगर उसको परेशानी हो रही है या गरीब है या वो देखता है कि मेरा विकास नहीं हो पा रहा है, है ना, तो उसकी मर्जी के ऊपर है, उसकी इच्छा के ऊपर है कि वो धर्म परिवर्तन करे, क्योंकि संवैधानिक अधिकार है। मैं धर्मांतरण जो है गरीबी को सबसे बड़ा दोषी मानता हूँ, और लोग बाग एक्चुअली वास्तव में धर्म है ही क्या? धर्म का मतलब सत्य पे चलना है और अपनी सत्य निष्ठा का पालन करना है, तो लोग जानते ही नहीं है। वो आज कन्वर्ट हो रहे हैं क्रिश्चियन में, तो क्या कर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि भाई मिशनरी के स्कूलों में बताया भी यही जाता है कि आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, किताबें मुफ्त में मिलेगी और हम मकान भी बना देंगे, तो लोग धर्म का मतलब ही नहीं जान रहे हैं। और जो लोग, और हमारे यहाँ पर संविधान में धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, बहुत बड़ी आपत्ति हो रही है, विशेष रूप से कह रहे हैं कि हिंदू धर्म को खतरा है, तो मेरी हिंदू धर्म को मानने वालों को, मैं खुद हिंदू धर्म से हूँ, तो मुझे और लोगों को यही मेरा, चाहे बड़ों को जो है सुझाव है, छोटों को सलाह है, कि गरीब बस्तियों में जाए और इंटीरियर में जाए और उनके दुख सुख दुख को समझे और ये विषमता मूलक समाज खत्म करे और उनके लिए शिक्षाओं में जो अच्छी शिक्षा का प्रबंध करे। और सरकार में ज्यादातर यही लोग बैठे हैं, तो इनको, इनके बारे में अच्छी शिक्षा दीक्षा के बारे में सोचना चाहिए, तो ये धर्म कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा। धर्मांतरण के लिए मैं संविधान को ही दोषी ठहराता हूँ और विशेषकर मैं अंग्रेजों को दोषी ठहराता हूँ कि वो बहुत पहले चले गए, उनको 20 साल बाद जाना था। अब पूछेगा क्यों जाना था, कि हमारा जो इंडियन सोसाइटी है, ये कॉमन जो साइकोलॉजी है, वो बहुत ही धर्म विरुद्ध धर्मांध है। यदि वो रहते तो आदमी को साइंटिफिक टेम्परामेंट का सारे उसको साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले बनाते, एजुकेशन को बहुत अच्छी तरह से करते, तब वो जाते, तब ये समस्या नहीं होती। पहली बात तो धर्मांतरण होना नहीं चाहिए, और धर्मांतरण जो हो रहा है उसके रोकथाम के लिए भी कदम उठाना चाहिए। और धर्मांतरण क्यों हो रहा है, कारण क्या है धर्मांतरण का, तो उसके तह में जा करके उसका निदान ढूंढा जा सकता है।
आप जनता और सरकार को क्या कहना चाहेंगे धर्मांतरण को लेकर? जनता को चाहिए कि धर्मांतरण न करे, अपने धर्म में टिके, अपने धर्म में आरूढ़ रहे। और सरकार को चाहिए कि धर्मांतरण न होने दे, इसके ऊपर में कार्य करना चाहिए। समाज का कर्तव्य बनता है कि धर्मांतरण को रोके, धर्मांतरण न हो। और छुआछूत की जो भावना है, गरीबी है, अशिक्षा है, इसको दूर करे। और जो धर्मांतरित हो चुके लोग हैं उनको पुनः वापस हिंदू धर्म में लाने से ये धर्मांतरण जो हो रहा है उस पर ज़्यादा बुरा ढंग से रोक लग सकती है। धर्मांतरण देश के लिए खतरे की नज़र से नहीं है। संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया है। अब धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में जो दूसरे, देखिए मेन मुख्य चीज ये होती है, मनुष्य की सबसे पहली आवश्यकता है रोटी कपड़ा और मकान। धर्म बाद में है, धर्म बाद में है, लेकिन धर्म भी जरूरी है। क्योंकि बुजुर्ग लोग जो हमारे थे वो प्राकृतिक पूजक थे, और बीच में ये 33 करोड़ कोटि के देवी देवता आ गए। और हमारे यहाँ के जो जनता है ये आज भी 80% पढ़ी लिखी नहीं है और धार्मिक भावनाओं में ही बह कर के अपना जीवन यापन करती है। 1947 से जब से देश आज़ाद हुआ है, बड़े शांति से और बहुत भाईचारे से हमारे देश के लोग रहते थे। आज कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो इसको मुद्दा बना रही हैं। असल में धर्मांतरण कोई चीज़ ही नहीं है। हर आदमी को स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र रहने का अधिकार है। जैसे मैं अगर से बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी, ये कुछ 1990-92 के आसपास से धर्मांतरण का मुद्दा लाई। और आज देश में ये जो अंग्रेज लोग 47 के पहले जो काम करते थे ना, फूट डालो राज करो, उसी नीति के तहत भारतीय जनता पार्टी चल रही है और पूरे देश में बरगला रही है लोगों को पूरे तरीके से। वैसे धर्मांतरण तो पूरे तरीके से गलत होना नहीं चाहिए, मगर इसको मुद्दा बना के बिला वजह उछाल रही है भारतीय जनता पार्टी और एक वर्ग विशेष को अपने वोट बैंक में तब्दील कर रही है। ये जो धर्मांतरण जो हो रहा है अभी और काफी तेजी से ये चीजों पे बात हो रही है, लोगों में बहस हो रही है, राजनीतिक इंस्टेंट है ये, केवल वोट बैंक को साधने के लिए ही धर्मांतरण की प्रक्रिया तेज की जा रही है। चाहे एक विशेष वर्ग हो, जैसे अगर हम बीजेपी की बात करें तो उनको एक हिंदुत्व का प्रचार करना है तो वो हिंदुत्ववादी धर्मांतरण पे जाते हैं। कुछ अलग मॉनिटरी जो है क्रिश्चियन मॉनिटरी है वो अपने बहुसंख्यक के लिए है ना, लोगों को लोभ लुभावन, लोगों को पैसे दे के कन्वर्ट करते हैं। ये धर्मांतरण जो हो रहा है उसका मूल आधार सिर्फ और सिर्फ गरीबी है, जो गरीब तबके के लोग हैं, है ना। दो तरीके से, यानी एक राजनीतिक आधार है और एक जो गरीब है जिनका हमेशा शोषण हुआ है, उनको समाज की मूल धारा में आ नहीं पाए हैं तो उसको प्रलोभन दिया जाता है उनको और अपने धर्म में कन्वर्ट किया जाता है। अलग अलग मिशनरी हैं, दूसरे समुदाय हैं, उसमें पैसा और प्रलोभन दे के उनको इस धर्मांतरण में परिवर्तित किया जाता है। धर्मांतरण के लिए मैं तो किसी को दोषी नहीं मानूंगा। आज की जो अशिक्षा है, अशिक्षा के कारण आज हम अपने सनातन संस्कृति के बारे में नहीं जानते, इसके कारण थोड़ी सी प्रलोभन के कारण हम धर्मांतरण कर लेते हैं। इसका मैं एक ज्वलंत उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि गुरु गोविंद सिंह जी के जो बच्चे थे उनके सामने कहा गया कि आप धर्मांतरण करिए अन्यथा आपके सिर को कत्ल कर दिया जाएगा। तो बहुत सुंदर जवाब उनके द्वारा दिया गया था कि धर्मांतरण करके यदि मैं जीवित रहूं, उससे अच्छा मैं अपने धर्म में रहते हुए मैं अपने प्राणों की बलि दे दूं। तो व्यक्ति को चाहे कोई भी किसी धर्म का हो, अपना धर्म को नहीं त्यागना चाहिए, अपनी संस्कृति को नहीं त्यागना चाहिए। इसका मेन कारण है कि आज व्यक्ति अपनी संस्कृति के बारे में, अपने धर्म के बारे में जागरूक नहीं है। और जो कोई भी थोड़ी धन की लालच में हमको बहकावा मिलाते हैं और देखिए, एक्चुअल में तो हमारा भारत और पाकिस्तान दोनों अलग हुआ था। उस समय भारत को जो है संविधान में स्पष्ट लिखा गया है कि भारत जो है धर्म निरपेक्ष देश है,
उसमें सभी धर्मों को समानता दी गई है और सभी को अपनी अपनी मान्यता दी गई है, परंतु हम इस आधार पर धर्म परिवर्तन कराते हैं कि उसको लालच देकर या उसको बरगला के ही अन्यथा अनुचित लगता है मेरे को। एक्चुअल में हम धर्म प्रति आस्था रखते हैं तो उसका हमको जो है ये करना चाहिए, और हम अगर उसको लालच देकर या धर्म परिवर्तन कराते हैं तो ये सर्वथा अनुचित है। इसकी मुहिम लगातार बोल पब्लिक बोल के माध्यम से जनता के मुद्दों को जनता की आवाज बनकर उठाती आ रही है। आज इसी कड़ी में रायपुर में हमने जनता के बीच रहकर धर्मांतरण को लेकर उनकी राय जाननी चाहिए। उनका साफ साफ कहना है कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही, अगर इस पर ध्यान देती तो धर्मांतरण कम होता। प्रभा साहू, इंडिया वाइज न्यूज, रायपुर।